जब शरीर छूटता है तो स्वाभाविक रूप से हर जीव इस नदी की तरफ बढ़ता है। नदी ऊर्जा का एक प्रवाह है। मान लीजिए आप काल भैरव शांति करते हैं तो सभी संबंधित लोगों को इससे फायदा होता है। अगर आप नदी में विलीन हो जाते हैं तो आप वही ऊर्जा बन जाते हैं। अगर आप पार करते हैं तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कुछ समय के लिए जीव वहीं रहते हैं। देखिए मेरे खुद के अनुभव में जब आप शरीर छोड़ते हैं निर्भर करता है कि आप विकास के किस स्तर पर हैं, आपका आवरण कितना पतला है या मोटा है, उस हिसाब से चीजें होती हैं। अगर कोई चीज, मान लीजिए आपका आवरण या आपका बुलबुला बहुत मोटा है, ये टूट नहीं सकता, तो ये नदी तक जाएगा और वापस आ जाएगा। नदी क्या है? नदी ऊर्जा का एक प्रवाह है। एक ऐसी ऊर्जा जो न तो जीवन है और न ही मृत्यु, लेकिन बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा है जिसे शब्दों की कमी के कारण हम कह सकते हैं एक तरह की ऊर्जा जो आपकी रक्षा करती है, आपका विलय करती है, तो इसे वैतरणी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में वैतरणी का मतलब है ये एक रक्षक है जो आपकी रक्षा करने में कुशल है। तो रक्षा करना क्या है? ये एक भौतिक नदी नहीं है, ये एक रूपक अभिव्यक्ति है, लेकिन ये ऊर्जा की एक धारा है। जब शरीर छूटता है तो स्वाभाविक रूप से हर जीव इस नदी की तरफ बढ़ता है। कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ इसमें समा जाते हैं, कुछ इसे आसानी से पार कर जाते हैं, कुछ वहीं पर बस विलीन हो जाते हैं। तो अगर आप वापस आते हैं तो आपका फिर से जन्म होगा। अगर आप नदी में विलीन हो जाते हैं तो आप वही ऊर्जा बन जाते हैं। अगर आप इसे पार करते हैं तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां जीव ठहर जाते हैं। वो कौन हैं, उनके गुण क्या हैं, उनका मुख्य गुण क्या है, वही गुण प्रभावी होगा। अगर वो बहुत खुश हैं तो वो आनंद मग्न हो जाते हैं, अगर वो दुखी हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। इस तरह से इसे आम तौर पर स्वर्ग और नर्क कहा जाता है, लेकिन असल में हुआ ये कि विवेकशील मन के न होने की वजह से आपके गुण बहुत बढ़ चढ़कर प्रभावी होते हैं। तो अगर किसी ने नदी पार कर ली या कोई वापस आ गया तो इन दो लोगों की आप मदद कर सकते हैं। अगर वो वापस आ गए हैं या अगर उन्होंने नदी पार नहीं की है, हम ये नहीं कहेंगे कि वापस आ गए, उन्होंने अभी तक नदी पार नहीं की है, तब आप काल भैरव कर्म करते हैं। अब हो सकता है आप पक्के तौर पर नहीं जानते उन्होंने नदी पार कर ली हो, लेकिन अपने खोल की मोटाई और अपने रवैये की वजह से हो सकता है वो अप्रिय अनुभव से गुजर रहे हों। आप उनमें कुछ सुखद अनुभव लाना चाहते हैं, कुछ शांति लाना चाहते हैं, तो आप उनके खोल या बकवास की एक परत निकाल देते हैं। हो सकता है कुछ अप्रिय अनुभव चला जाए, थोड़ा सुखद अनुभव आ जाए। आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पहले से सुखद हैं, तब भी आप एक परत निकालना चाहते हैं ताकि वो पूरी तरह से विलीन हो जाए। जिस तरह अप्रिय अनुभव एक बंधन है, उसी तरह सुखद अनुभव भी एक बंधन है। दुर्भाग्य से सुखद अनुभव के साथ लोगों को ये समझने में ज्यादा समय लग जाता है कि ये भी एक बंधन है। अप्रिय अनुभव के साथ आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये एक बंधन है। तो आप सुखद अनुभव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पक्के तौर पर नहीं जानते। हो सकता है आपके दादाजी या जो भी हैं पहले ही विलीन हो चुके हैं, शायद करने को कुछ है ही नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप करते हैं कर्तव्य समझकर, शायद उन्हें जरूरत हो।
शायद किसी और को। देखिए, जब आप ये काम करते हैं तो केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं होता, क्योंकि एक खास ऋणानुबंध होता है जो लोगों को जोड़ता है। मान लीजिए आप अपने दादाजी के लिए काल भैरव शांति करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, वो पहले ही जा चुके हैं। अब आपके दादाजी के भाई वहां हो सकते हैं जिनकी आपको परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें फायदा हो सकता है। तो उस तरह के ऋणानुबंध से जुड़े लोगों की मदद हो सकती है। कोई जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है मदद पा सकता है। तो ये एक संस्कृति बना दी गई है कि आपको काल भैरव शांति करते रहना चाहिए। तो शांति को एक तरीके से एक प्रयास के रूप में किया जाता है। अगर किसी मदद की जरूरत है तो हम वो मदद करना चाहते हैं हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे दादा, परदादा, हमारे पिता या कोई भी हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूर्वज वहां फंसे हुए हैं या नहीं, हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो विलीन हो गए हों, हो सकता है उन्हें मुक्ति मिल गई हो सकता है उन्होंने वापस आकर फिर से जन्म ले लिया हो। इन सब से फर्क नहीं पड़ता। आप इसे करते रहिए ताकि सभी जुड़े हुए लोगों को फायदा मिलता रहे। पितृ पक्ष का मतलब है, पितृ का मतलब केवल आपके पिता या दादा नहीं है, वो सभी जो हमारे अस्तित्व का स्रोत है, हमारे पितृ हैं। तो आप ऐसा सभी जुड़े हुए लोगों के लिए करना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें पसंद करते थे या नहीं करते थे, हम उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन सभी जुड़े हुए लोगों के लिए जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं हम करते हैं।